क्योंकि हमारे आंदोलन का जो स्वरूप है वो प्रार्थना करने लायक है। हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी नौकरी को 65 ईयर कीजिए। हम सारे बच्चों को हाथ पकड़ा के कॉलेज में लाए और फिर आप कहते हैं कि चले जाओ, बिहार में सबसे बड़ी क्रांति होगी और करारा जवाब मिलेगा। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल TD न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह, इस वक्त मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर। यहां पे आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्रधानाध्यापक है हमारे साथ। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोगों का यहाँ पे सर, आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पे, आप लोग धरना प्रदर्शन करें 2 दिवसीय? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ बिहार में 1800 अतिथि असिस्टेंट जो प्रोफेशन है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, वो उसी मापदंड पे बहाल हुए हैं जिस मापदंड से आज से 2014 में BPSC वाले आए हैं। तो एक ही जब UGC का मापदंड है, रेगुलेशन है, तो हमें हमारी सरकार माननीय हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं कि आप लोग को मैं आगे की सेवा नहीं ले पाऊंगा। तो उनके पास ऐसी क्या समस्या है जो हमें 65 वर्ष तक नहीं दे रहे हैं? हम तो उनसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम बिहार के लोगों के लिए खटना चाहते हैं, वो हमारे ब्लड हैं। बिहार का एक एक स्टूडेंट बिहार में अतिथि सहायक प्राध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने वाला, उनके साथ उनका जीने मरने का संबंध है। हमें आप बाहर मत निकालिए, चूँकि हमारे आंदोलन का जो स्वरूप है वो प्रार्थना करने लायक है। हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी नौकरी को 65 ईयर कीजिए। तो पहले कितना ईयर था? पहले हर साल हम लोग को 11 महीने के लिए नौकरी देते हैं। मध्य प्रदेश अपने जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको वो कहती है क्या काम कीजिए, परमानेंट कर रही है। हिमाचल प्रदेश परमानेंट की, हरियाणा मानवता के आधार पर परमानेंट कर रही है, कलकत्ता गवर्नमेंट वहाँ 60 ईयर की है। बिहार में चूंकि प्रोफेसर की जो टर्म होता है वो 65 वर्ष का होता है, तो हमें भी 65 वर्ष कीजिए। हम कहाँ आपसे कुछ मांग रहे हैं, हमें जब आप BPSC से और UGC के गाइडलाइन से असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिए, समाज में जब हमारे माथे और पीठ पे ठप्पा लगा दिए कि यू आर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप हमारी नौकरी क्यों छीन रहे हैं, हमारी सामाजिक मर्यादा का हनन क्यों छीन रहे हैं? बच्चों के बीच हम सारे बच्चों को हाथ पकड़ा के कॉलेज में लाए, लैब करना सिखाए, नेक एग्रेडिएशन किए, लाइब्रेरी को संवारे, और फिर आप कहते हैं कि चले जाओ, बिहार में सबसे बड़ी क्रांति होगी और करारा जवाब मिलेगा। तो ये जो है आप लोगों का 11 माह का जो था, उसको आप लोग चाहते हैं कि परमानेंटली? जी बिल्कुल, हमारी कोई मांग नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री से करबद्ध प्रार्थना है कि बिहार के 1800 अतिथि सहायक प्राध्यापक को आप 65 वर्ष कर दीजिए, क्योंकि उनका हक है, अधिकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक खासियत है कि जिन पौधों को लगाते हैं कभी उखाड़ते नहीं है। अच्छा, तो आखिर शिक्षकों के साथ यहाँ पे क्यों खिलवाड़ होता है बिहार में? यहाँ पे स्टेट मेरिट क्वालिफाई, आप लोग को भी प्रॉब्लम यह है? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को जो जनरल क्वालिफिकेशन है उठा के देखें, सभी लोग PhD होल्डर हैं, इनोवेटिव रिसर्च है, शानदार पब्लिकेशन है, बहुत सारे लोग विदेशों में काम किए हैं, ढंग से पढ़ाए हैं। शिक्षा मंत्री अपने विभाग से फाइल उठा के देखें, आखिर जब गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के बदौलत इनका ग्रॉस इनरोलमेंट रेट बढ़ रहा है, तो क्यों निकाल रहे हैं हम लोग को? क्यों 11 महीने का? क्वेश्चन तो ये उठता है कि 11 महीने की नौकरी क्यों, जब शिक्षा मंत्री सदन में खड़ा होकर कहते हैं कि गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के बदौलत यहाँ की गुणवत्ता में सुधार हुई है। तो हम गुणवत्ता में जब सुधार कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्या हमारी नौकरी 11 महीने की रहनी चाहिए? मोरलिटी के आधार पर हमारी नौकरी दीजिए आप, मानवता के आधार पर 65 वर्ष कीजिए, हमारी मांग बस यही है। और ये मांगें चलती रहेंगी जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार न करें। जितना जल्दी विचार होगा, हम लोगों का शरीर का खून कम जलेगा, बिहार की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कम प्रभावित होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी चरण आपको हम लोग सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सेवा जो है उसको आप 65 वर्ष कीजिए। बहुत बहुत तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने के संख्या में, काफी संख्या में जो प्रधानाध्यापक है, संख्या काफी है। और इन लोगों का मांगे है जो 11 माह के लिए इन लोगों को नौकरी दिया जाता था वो 65 वर्ष किया जाए और परमानेंटली किया जाए। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ है इन लोगों का। तो जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों की मांगे जो है वो ये कह रहे हैं कि 65 वर्ष की जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे TD न्यूज़। धन्यवाद।